चंपा भाई। अरे मदन बाबू, लगता है आप मुझे भूल ही गए थे। नहीं नहीं चंपा भाई, ऐसा कोई बात नहीं, अगर भूला होता तो मैं आता नहीं। मदन बाबू, मैं तो आपके 15 दिन से इंतजार कर रहे हूँ। चंपा भाई, भगवान कसम, मैं हफ्ते से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, कब मैं चंपा भाई से मुलाकात कर लूँ? मदन बाबू, आज मैं तो आपको देखने हूँ, तो पागल हो चुके हो पागल। चंपा भाई। हाँ मदन बाबू। एक काम करो चंपा भाई, पीले खाने के लिए व्यवस्था करो, आज मुझे एक मुजरा सुनाओ। अरे हमसे तो मिल लिए हो, अरे एक बार मुन्नी भाई से मिल लीजिए। जा हरि वाह। मदन बाबू नमस्कार। अरे और बताओ मुन्नी भाई, ठीक तो हो ना? मदन बाबू मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप कैसे हैं? अरे मैं भी ठीक हूँ। क्या बताओ मुन्नी भाई, जब जब तेरी याद आती है। मदन बाबू बहुत दिन बाद आ रहे हैं। हाँ सही कह रही हो मुन्नी भाई, लेकिन और बताओ। देखो मुन्नी भाई, आज मेरा दिल खुश कर दो, पीले खाने के लिए एक मदिरा मंगाओ, उसके बाद मुझे मुजरा सुनाओ। ठीक है मदन बाबू, आप बैठिए, आपको मुजरा बस सुनाऊंगी। बाबू यह बहुत बड़ी गलती करता है। अब जैसे चंपा भाई से गले मिल लिया, मुन्नी भाई से, हाँ जो चट्टू बाबा हमारे गले मिलाए थे। अरे मदन बाबू, मैं तो आपके लिए एक चिच्चा लेकर आई हूँ। चिच्चा चिच्चा बहुत शर्माती है। अरे वाह चंपा भाई, तूने सचमुच एक नए ढंग का चिच्चा लाई है। परी लेकर आई हूँ, परी अपने कोठे पे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है शर्मिला भाई। शर्मिला भाई, और क्या, अभी नई नई आई है? अभी नई नई आई है, थोड़ा सीटी नहीं खुली इसकी। वाह ठीक है, मैं सीटी खोल दूंगा, घबरा नहीं चंपा भाई। ए शर्मिला भाई, शर्मिला भाई नमस्ते। बाबा नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो, ठीक तो हो ना? देखो डरो नहीं, या मदन सिंह। देखो शर्मिला भाई, अगर तू मदन सिंह से पर्चे बना लेगी तो तेरी जिंदगी संभल जाएगी। अरे शर्मिला भाई, ये मदन बाबू है, ये तो हमारे चाहने वाले कोठे पे बराबर। वाह ठीक है नौकर, देखिए आज मदन बाबू आए हैं, जाइए पहले ठेकेदार से बोल दो, पाल जी से, कि एक बोतल शराब दे दे। शराब पाल जी से? पाल जी, चंपा भाई के ऑर्डर है, पूरा ठेका फ्री है चंपा भाई, पूरा ठेका फ्री, जाइए लेकर आइए तुरंत। मुन्नी भाई कहिए मालकिन। देखिए मुन्नी भाई, आज मदन बाबू आ गए हैं, काफी दिन बाद आए हैं, काफी दिन बाद आए हैं ना। बोतल कैसे खुला है? पूछा हुआ पाल जी से, कितना भीड़ रहा पाल जी? ठीक है थोड़ के भीड़ ना रहा, तो पाल जी तोहार नाव सुनते हम दे दे हैं बोतल ठक्कनवा, पाल जी घातवा में आइयो, बोतल हमारे हाथवा में हर एक दल को छलक गए। अरे पाल जी से बोल दे खुली दारू है। अरे खुली दारू, इतना भीड़ रहा है तो तोहार नाव सुनते दे दे ना, एक रुको न मिल जाए। ठीक है हाँ, अब आ जाइए। हाँ कहना है कि कागज के फूल छुईबे तो गुलाब हो जाई। कागज के फूल छुईबे तो गुलाब हो जाई। कागज के फूल छुईबे तो गुलाब हो जाई। अंगुरी में पानी में अंगुली डलबा तो शराब हो जाई। पानी में अंगुली डलबा तो शराब हो जाई। चंपा बाई का नियत ऐसन बा, लवंदन के छोड़ा अगर बुढ़वन देखिए तो पैंट खराब हो। लवंदन के छोड़ा, लवंदन के छोड़ा, इकबाल ठेकेदार। वाह चंपा भाई, यहाँ तक का पैंट खराब हो जाए। हाँ सही हो चंपा भाई के, दो पिलाना फर्ज था, कुछ भी पिला दिया होता, और इस तरह भी कब पानी। Yeah.
बताए देहो मजा आई है। ये बोतला पनिया कहाँ दीहो? अभी मजा आएगा थोड़ा देर। हाँ तो हम तंके तंके चिखेबू तब। अरे मेरे राजा अगर कोठे पे आए तो चिखेकर जाए। अरे मेरी चजा। अरे देख कर मेरा अच्छा खिलता हूँ कि नो समा अच्छा बंदी बोतले शराब के तोड़ दूंगी जामिया को सया से पिलाऊंगी मैं तू भी मैं खानी हेलो। अरे दारू पी के सैया हमरो मामई है ना नदी। अरे दारू पी के सैया हमरो मामई है ना नदी। अरे सारी साले तू पागल हो गया है नौकर। ये दारू के नशे पागल हो गया है। अपना शर्ट निकाल कर दे रहा और पैंट भी निकाल रहा है। अरे मेरे राजा अभी पैंट कहाँ निकला है तुम्हारा बाबाई।
हाँ मद बाबू। चंपा भाई आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया। चंपा भाई अरे मदन बाबू आप तो हमेशा मेरे साथ है। राजा चंपा भाई सुनो। कहिए मदन बाबू। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। तो सारी खुशियाँ खुशी में खुशी हो गई, इस खुशी में जिगर चार मेरा हुआ। मांग लो मांग लो अरे चंपा कुछ मांग लो, आज का दिल जमाना या तेरा हुआ। ऐसी बातें दोबारा और सुनाना नहीं, आए तो मुझे रख सुन कर चले जाए। अरे मदन बाबू आप पागल तो नहीं हो गए हैं क्या? अगर आए हो तो ऐसी सी बात मत सुनाओ, मुझे सुन लिया तो चले जाओ। चंपा भाई तो बकवास बंद जीभ काबू में कर। अच्छा ऐसी बातें दोबारा सुनाना नहीं, अर मिले अर्श पर या अर मिले पर्श पर भेद कर जाने उसको ला। तो जाने माने उसको ला। अरे ढूंढ कर जाने माने उसको ला। बना लीजिए आपके घर चलूं और तू लहन बन के सच्चे छत्री हो तू भैये भी करना। सच्चे छत्री हो तू भैये भी करना नहीं। सच्चे छत्री हो तू भैये चंपा भाई। हाँ मदन बाबू। तू मेरे चरणों की दासी बनना चाहती है? अरे मेरे राजा मैं तो वही जानता। वाह चंपा भाई। ए मेरे चंपा भाई को ऊपर हाथ डाला। तू बोल मदन बाबू क्यों मेरे राजा? जो करना हो दूर से करिए। अगर कोठे पे आए हो केवल बात करके चले जाओ। ए खबरदार मेरे रहते हो मेरे चंपा भाई को छूना मत। बंद करो रखो अपना आइटम। वाह क्या बात है। वाह चंपा भाई कितने यार रखी हो। यार नहीं ये सब हमारे कोठे पे आते हैं। ऐसा ये सब मुन्ने भाई। ठीक है
बहुत अच्छी बात, कोठे पे आते हो तो आते रहना, कोठे बहुत मजा आता है। हाँ कोठे पे आना जरूर आना। ये सब मुन्नी भाई के लिए आते हैं। ठीक है चंपाबाई। मदन बाबू हमारी बात आपको ख्याल है कि नहीं है? चंपाबाई यही बात मैं तुमसे कहने वाला था, तूने मेरे दिल का बात छीन लिया। चंपाबाई मैं यही सोचा था तू मेरी साथ शादी कर ले और तू मेरी दुल्हन बन जा। वाह और मैं भी यही चाहता हूँ चंपाबाई, लेकिन चंपाबाई आपकी बात तो नहीं, आज नहीं, अब मैं जा रहा हूं अपने मकान और तुमसे वादा करता हूँ दोबारा आऊंगा तुझसे शादी करके अपने घर ले चलूंगा और चलता हूँ अपने घर मैं बड़े भैया के पास। चंपा भाई मेरे बड़े भैया मुझे देखकर जलते हैं, हमेशा जलता है। अगर कभी मैं 1,000 रुपया लेने जाता हूँ तो 500 रुपया देते हैं वो भी डांट फटकार कर। अपने क्या किए मेरे भैया मेरे लिए? हाँ सही कहा नौकर, तू बता क्या किए? कुछ ना करें, काम करें कुछ। अपने बेटे को आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल आगरा यूनिवर्सिटी पढ़ावा तो है बेटे, कुछ ना 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए लग रहे हैं दे दे रहे हैं। अगर मैं 10 रुपए मांगता हूँ तो थप्पड़ खाता हूँ। 5 रुपए देते हैं आपके। ठीक है, आखिर मेरे भैया ऐसा क्यों करते हैं? मेरा भी उसमें आधा हिस्सा है। बिल्कुल चंपा भाई। अरे मदन बाबू आप अपने घर मुझे लेकर चलिए, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक है चंपा भाई? मैं वादा करता हूँ अब की बार आऊंगा तुझे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले चलूंगा। अरे मेरे राजा मुझे अपने घर लेकर चलिए, मैं तुम्हें एकदम माल माल बना दूंगा। जैसे आप चंपा भाई से शादी करके दूल्हा बना के अपने घरे ले आइए। घर ले जाऊंगा और हम ऐसे रुला। हाँ तू भी शादी करेगा? यार हमारे का मुन्नी भाई शादी थी करावा, हमें वो है जो शर्मिली भाई चौजा है वही साथ हमारा शादी कराए था। शर्मिली भाई शादी करोगे? हाँ शर्मिली भाई ऐसी ऐसी नहीं है, पहले उसका दाम पूछ लो कितना है उसका दाम। बलावा 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 शर्मिली भाई। अरे मैं खुद ही बता देती हूँ कितना दाम है, वो बोलने में बहुत रजाती है। हाँ भाई नहीं नहीं आए है ना। हाँ कितना दाम है उसका? दाम है 1.5 लाख। 1.5 लाख शादी न कर अपने। 1.5 लाख रुपए में फ्री हो जाएगा हमेशा के लिए। अरे मदन बाबू केवल 1 रात के लिए 1.5 लाख मांग रहे हैं? 1 रात के लिए मदन बाबू आप जा रहे हैं? हाँ ठीक है चंपा भाई मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। सुनिए और मुन्नी भाई, अरे क्या तुम मुझसे नाराज हो क्या? मदन बाबू आप कैसी बातें करते? तो ठीक है चंपा मुन्नी भाई अब मैं चल रहा हूँ। ठीक है चलिए। और कल नहीं परसों फिर आऊंगा। क्या? कल नहीं परसों फिर आऊंगा। ठीक है लेकिन आधा आना तो वादा मत भूलना। ठीक है जो हमारे मालकिन तो वादा करके जा रहे हैं। मदन बाबू आप मेरी मालकिन को ले जाएंगे, हम लोग यहाँ अकेले रह जाएंगे। नहीं नहीं अकेली नहीं रहोगी, और मेरे पास साथी हैं, उनका भी शादी नहीं हुआ है। अरे आपके जाने वाले कितने लोग बैठे हैं देखिए इनके साथ। यह देखा तो है लोग कहे ना शर्मिली भाई के। अच्छा चल चल तेरी शादी करा दूंगा। अरे चावल चावल कहाँ पर राजा? अरे मानव तेरी बचनिया। अरे धीरे से चुम्मा। अरे धीरे से चुम्मा ले ले। अरे डाल के चुल्ला लिया।
मैं कहां लेकर जा रहा था? देखिए, अगर मैं यहां से चली जाऊंगी मुन्नी भाई, सारा मलकाना तुम्हें मैं दूंगी। ठीक है मालकिन, मैं अपना कोठे चलाती रहूंगी। चलाती रहूंगी? जी हाँ। अगर कोठे पर कोई आ जाए उसको माल माल करके भेजना, यानी उसको बर्बाद करके भेजना। हाँ तो मैं जानती हूँ। और अपने बाद शर्मिला भाई को मकान दे देना। ठीक है मालकिन। ठीक है, चलिए चलती हूँ, फिर मिलूंगी। अरे राजन, चलिए लेकिन कैसे? अरे आज भारी उड़ रहा पे, अरे कैला मुलाकात करे जरूर। अरे का हो पाल ठेकेदार, तुहार ध्यान ना लागता है। अरे आज भारी उड़ रहा पे, अरे कैला मुलाकात करे जरूर। अरे फिर ना लगी हो करे फिर ना लगी हे हाथ करे जऊ ना। आज भर आऊ रही करे जऊ, फिर ना लगी हे हाथ करे जऊ ठेकेदार। जी हाँ। घनश्यामपुर की धरती से। अच्छी बात, कभी उनके भी पास चले जाए। ठीक है, कल लेकर चलूंगी तुमको। कोठे पर मेरे आना, सारी सेवा मैं उपलब्ध करूंगी। लेकिन कहना क्या है, अरे मिले खाती हमारा से ससुर में अहिला, मिले खाती हमारा ये ससुर में अहिला, चली जाइ है पिया जाने बाड़ी पास तही बा, चली जाइ है पिया जाने बाड़ी पास तही बा। हो ऐसे नहीं मत हारी के जा, ऐसे नहीं मत हारी के जा, अहिला तो अहिला तो मुहावा मर के जा पतही। बतावे हाल चाल। हाँ सूखा है तनी भी पूरा देश में। हाँ पूरी जनता का है। ज्यादा धन ज्यादा परेशान है। हाँ पैसा कौड़ी वाला, भगवान ऊपर से अकाल पड़े बाटे, सूखा पड़े बा,
पूरी जनता तहाय तहाय के रोवत बा। हाँ चिरंगी लाल सेठ किया चला उन्हें, हाँ उन्हें से कुछ कर्जा पैसे ला, भाई दयालु आदमी है दे दी है। हाँ अब चल, हाँ पंचो राम राम। आप सब न जानते हुई हैं हमार नाम सेठ चिरंगी लाल है। हमारे पास एक नौकर है, पता नहीं कहाँ गायब रहता है, जब आता हूँ तब वो गायब रहता है। अरे चिरंगी लाल सेठ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नौकर। और बतावे नौकर सब कुछ ठीक है? तुम्हें मालूम है कि इस समय बहुत बड़ा सूखा पड़ा है, पूरे देश में सूखा पड़ा, पूरे देश में सूखा पड़ा है। इस सूखे से पूरी दुनिया परेशान है, परेशान है पूरी दुनिया, तहाय तहाय मरद में भूख मारी, दाने दाने के लिए लोग तरस रहे हैं। हाँ हाँ लेकिन नौकर फिर भी ये सेठ चिरंगी लाल की तिजोरी माल खजाने से भरी हुई भरी है। नौकर एक बात का ध्यान रखना, अगर हमारे दरवाजे कोई गरीब दुखिया आता है कर्जा लेने के लिए तो कर्जा उसे बड़े शौक से दिया जाएगा। लेकिन नौकर एक बात याद रखना, कर्जा देने के बाद तुम्हारा एक काम है, कौन काम? रजिस्टर पर जब चढ़ाना तो पीछे एक जीरो जरूर बढ़ा देना। एक जीरो उकर मतलब का हो जाए? नौकर इससे हमारी कमाई बढ़ जाएगी, एक जीरो तो हम पूर्ति कहाँ से करेंगे? देखा बाबू कुल काम हम ना करें। क्यों नहीं करेंगे? देखा बाबू हम शिव चर्चा वाला है, सेठ हम कुल काम ना करें। नहीं नौकर तू हमारा वफादार नौकर है, तुझे काम करना पड़ेगा। चला तब ठीक बा, मैं काम करब कब जब हम आधा दे बत्ता। ठीक है तेरी तनख्वाह बढ़ जाएगी। बढ़ा दी है? हाँ नौकर। चला ठीक है, मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ, अगर कोई आता है तो मुझे बुला लेना। ना ना ठीक है, आराम करें। हाँ आराम करें। भाई क्यों तो ना बा, नमस्कार बैजू बैजू बैजू, क्या हुआ आप बहुत उदास नजर आ रहे हो? अच्छा आप हमारे पास आए हो पैसे के लिए, तो बैजू घबराइए नहीं, हम सेठ आदमी हैं गरीबों की भलाई के लिए। हमें मालूम है इस समय पूरी दुनिया सूखा से परेशान है, दाने दाने के लिए मोहताज है। भाई अगर आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी तिजोरी भरी है, हमारा भी फर्ज बनता है आप लोगों की मदद करने का। तो ठीक है भाई जी, ये बताइए कितना पैसा आपको चाहिए? 5,000 चाहिए। ठीक है भाई जी, घबराइए नहीं मिलेगा। नौकर रजिस्टर लेके आए हो? ठीक है, पहले भाई जी को पैसा गिन के दे दो। 5,000। भाई जी काका कितना पैसा चाहिए? बस 5,000। हम क्या 5,000 हो जाता, 10,000 हो जाए। अब तो देख तो होबे गए, उनका खाए पचाए लेबे कहाँ और कहाँ। 1,000-4,000 रुपया, तो 2,000 के नोट है लखत का, कभो पैसा ना देखे है ना, भारतीय रिजर्व बैंक का भाई चलावट बन नोट ले। हाँ ना ना 4,000 रुपया दे, 4,000 रुपया देते ही और 100-100 के नोट देते थे। 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ले ना हो पाई वो ले, 500-1,000 रुपये ही है, 5,000 हो गए ना। दो दो चार 1,000 5,000 रुपये हो गए। अच्छे ढंग से देखा रास्ता कहूँ गिरे उड़े ना।
ठीक है, नौकर इसको पकड़ो। बैजू पैसा पा गए हो ना, तो ठीक है एक काम कर दो। देखो बैजू मैं बता रहा हूँ, और इस रजिस्टर पर अंगूठा लगा दीजिए, इस रजिस्टर पर अंगूठा और लगा दीजिए, 5,000 रुपया बैजू लेकर जाइए। बैजू देखो हिसाब की बात है, मैं आपको 5,000 रुपया दिया, यहाँ पे लिख दिया गया है, यहीं आप अपना दस्तखत कर दीजिए ताकि हमें भी याद रहे आपको भी याद रहे। ये आपस सिग्नेचर करे उठा के, और का वैसे पुलिस वाले चला जा, पहले सिग्नेचर करा उठा तब लिख जा। हाँ ला ए जा जाए, अब का ना खाता जा पैसा लिखना, आपकी सिग्नेचर भी हो गई पैसा भी आप पा गए। ठीक है बैजू जाओ अपना काम देखो, फिर अगर जरूरत पड़ती है तो बिंदास हमारे यहाँ चले आना। ठीक है नमस्कार नमस्कार। नौकर आहो ये बताओ बैजू को तो पैसा दे दिया गया। हाँ पैसा कितना दिया गया? 5,000 रुपया। 5,000 रुपये? हाँ। रजिस्टर पर कितना चढ़ाए हो नौकर? 1-0 बढ़ाए दे 50,000 रुपया। 50,000? शाबाश नौकर शाबाश, मेरा वफादार नौकर है। हमारा नौकर के कर है चिरंगी लाल सेठ के नौकर है। सही है, यही तो हमारी कमाई है। अरे भाई हुआ तो हमारे लोग कमाई है। ठीक है मैं आराम कर रहा हूँ। आराम कर आराम कर। और क्या? हाँ समझाता। आप घबराए मत। नमस्ते भैया। आओ बाटू भले। हम बाटी ठीक ठाक सेठ, यहाँ आवा वैसे सेठ माना चाहे जी न माना। हाँ क्या बोला? वैसे किरण भाई एकदम करे लायक हो। क्या बेवकूफ है तू? क्या करने लायक हो गई? शादी बिया शादी बिया। शादी का नाम पहले लिया करो। कहे जाते बिगड़ी है। अभी किरण बेटी पढ़ाई कर रही है, उसके सामने शादी विवाह का बात मत करना। अब ऊँचे पढ़ाई पढ़ते हैं जी। चल बेटी किरण
कहाँ कहिए पिताजी? सुनो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ पिताजी। ठीक है पिताजी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। सुनो बेटी, और सही राज दिल कर तो इजहार बेटी। और पढ़ाई का क्या है समाचार बेटी? पिताजी। हाँ बेटी। आप मेरी पढ़ाई? हाँ बेटी, आप अपनी पढ़ाई के विषय में मुझे बताइए। ठीक है बेटा, सुनिए। तो बेटी, और पढ़ाई अच्छी चल रही है, पढ़ाई अच्छी चल रही, पढ़ाई अच्छी चल रही, पढ़ाई अच्छी चल रही, और पिताजी मेरी अच्छी बात है। और लगा पीस स्कूल में आप दीजिए, और लगा पीस स्कूल में आप दीजिए। हाँ बेटी। पिताजी मेरे स्कूल में फीस लगी है। ठीक है बेटी, आपके स्कूल में फीस लगा है, ये बताइए कितनी फीस लगी है? पिताजी ज्यादा नहीं, 5,000 रुपया। 5,000 रुपए? हाँ पिताजी। ठीक है बेटी, घबराइए नहीं, तू जानती है कि मेरे पास कोई नहीं, सिर्फ तू ही मेरी सब कुछ है, मेरी बेटी है या बेटा है। हाँ बेटी, तुझे मैं पढ़ा लिखा रहा हूँ तो फीस तो मेरा फर्ज बनता है देने का। बेटी घबराइए नहीं, फीस लो और समय से कॉलेज चले जाना। नौकर, ये लो बेटी को 5,000 रुपए फीस प्लस खर्च जो मैं दे दी। हैं किरण, फीस दे दी तो है। कितना फीस लागो तोहर? 5,000 ला, ये 2,000 वाली नोट 4,000 रुपए पकड़ा। ये अवेला 5,000 रुपया हो गया है। और 1, 2, 3, 4 2,000 रुपया पर खर्चा पानी रख ला, जैसे कलम कापी रास्ता में कोनो चीज की दिक्कत हो। हाँ जा, ठीक है। हाँ बेटी, समय से स्कूल चले जाना और पहुँचते ही फीस जमा कर देना बेटी। हाँ बेटी जाओ। ठीक है पिताजी, अब मैं चलती हूँ क्योंकि कॉलेज का समय। हाँ बेटी, कॉलेज का समय हो गया, जाओ। ये स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। सही है बेटी। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार।
स्कूल फीस जमा करे। हाँ नौकर, किरण बेटी चली गई। हाँ अब हम भी चल रहा हूँ थोड़ा। ना ना ना, चले आराम करूंगा, फिर उसके बाद लेखा जोखा करना है, हिसाब बनाना है। अब चल चल चल, ठीक है नौकर, चला जाए, चलो। कर्जा लिया है, चलता ही मैं आप पर बुढ़ाई पार कर। पहाक नावा था चिरंगीला सेठ की, असले ही है देखा था रास्ते में भज्जी मिला तेज महाना थे, काव लेके आए है, काव लेके आया चिरंगीला सेठ की असले है। शांति, काव लेके आया है चिरंगीला सेठ की। हाँ चिरंगीला सेठ से है क्या? अच्छा झूठ ना बोलता है ये भैया। 5,000 रुपया चिरंगीला सेठ से कर्जा लेके आवत है, और जे रास्ता मिलल में सबका बतावत गाना गाना चलावत है। अब चिरंगीला से 5,000 रुपया पाँच अबे भैजू से ये आज बहुत खुश लगे दिखाई दे रहे हैं, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। पागल है कार? अरे मैं पागल? हम पीपल के आवत है, ये बता तू कहाँ गया था और कहाँ से आ रहा है? तो से मतलब पहुँच जाइए। मतलब यार? मतलब? क्या होता है? अरे बाबूजी मेरे गांव देश का मैं इससे नहीं पूछ सकता हूँ, लेकिन बाबूजी ये बताओ, मैं सुना हूँ शेर तिरंगीलाल से 5,000 रुपये लेकर आ रहे हो। हाँ ले क्या है गुरु? 5,000 रुपये लेकर आए हो ना, तो ऐसा है वह पैसा मुझे दे दो, मुझे कुछ जरूरी काम है। देखो बताने के लायक नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है। पूरा बताओ, बैजू मैं कहता हूँ पैसा दे दे, बकवास मत कर। तोरे बाप कहाँ है? नहीं देगा तू? नहीं नहीं देगा। अरे 5,000 रुपया भेजू ये देना। चंपा के पास जाना है हमको, चंपा के घर इस घर जाना। ये बातें तू भेजू बढ़ाना, कहता हूं, और 5,000 रुपया बहुत जल्द मुझे दे दे। चंपा भाई कोठर क्या था? हाँ चंपा भाई कोठर क्या नहीं? अबे देता है पैसा कि नहीं? वाह 5,000 रुपया मुझे मिल गया,
अब मैं चलता हूँ अपनी चंपा भाई के पास। अबे अगर तू मेरे बड़े भैया के पास शिकायत करेंगे ना तुझे जान से खत्म कर दूंगा। बंद कर बकवास। ये चढ़ली जवानी नींद न आवे सुनी से जरिया मदन सतावे किसन सन पुरवा बहे बयरिया हमारी भीगे चुनरी नौकर तू देख रहा ये यार यही तो जैसे इंद्र के परी लागा था। बहुत शौकीन लड़की है यार नंबर वन के। ये तो मेरी चंपा बाई से भी बहुत अच्छी लग रही है। चंपा बाई इनके मुकाबले पे ही हैं। और क्या है नौकर देख मैं कोठी पे जा रहा था चंपा बाई के पास। हाँ हाँ लेकिन इस लड़की से मुलाकात हो गया। हाँ हाँ अब पहले इससे मिलूंगा उसके बाद चंपा बाई के पास चलूंगा। पहले अब कोठे मत जाए अब ये लड़की से मिल रहा है नाव भाव था पता पूछ रहा तब चला। अरे यार अगर इससे शादी हो जाएगी मैं चंपा बाई पास नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ पहले पूछा है पूछा ठीक है। ए लड़की
क्या तुम्हारे यहाँ से दिखाई नहीं पड़ती क्या? तू धक्का मारती है चलते समय? मैं कहती हूँ तुम आपके अंधे हो क्या? तुम्हारे यहाँ से दिखाई नहीं पड़ती क्या? अरे मैं आपके अंधा और क्या? तू आपके अंधी और किसी की बेटी हो किसकी बेटी होती है? सुनिए बताओ। और नाम है किरण मेरा, क्या है तुमसे काम, और आता मेरा छोड़ दे ओ पापी मन्ना। क्या करता मेरा तुम्हारा नाम किरण है? हाँ मेरा नाम किरण है, मेरे पिता का नाम चिरंजी लाल सेठ है। सेठ चिरंजी लाल? सेठ की लड़की है किरण। ये सेठ चिरंजी लाल की बेटी है। अरे वाह, जहाँ रखा था सेठ चिरंजी लाल इसे। अरे किरण सुनो मेरी जान। क्या बोला रे? मेरी जान। कौन सी बात है जान? अरे किरण मैं तुमसे कुछ बात करूं। मैं दूसरे किसी का हूं। किरण अरे गोरी बाटू सावा की पहने ए चूदरी आरे गोरी बाटू सावा की पहने चूड़ी रंगीने आरे जवानी गोरिया है तोहरे जवान। बहुत परेशान दिखाई दे रहा है और बहुत बदतमीज कर रहा है। बैठ कमीना। किरण जो कहना दोस्त को मेरे पास बताओ। हम से प्रेमवा पढ़ावा या पने ए सजना पढ़ावा अरे जवानी गोरिया हो तोहरा। उसे प्रेम कर ले, उसे शादी कर ले। किरण किरण मेरी बात मान ले। सुनिए कमीना कुत्ता हराम ज्यादा। ऐसा नहीं कहा जाता किरण। दिन बात क्यों आते हो तुम? कहो अच्छा क्या कहना चाहती हो? ये चाहे हो ईसा की
क्या बात है किरण? कहो किरण क्या कर रहे? चाहे हो ईसाम की न्योरे अर्चुनरी रंगी में अरे माना अरे हो जो बतिया पिताजी ये सुनिया पिताजी अरे सेठ चिरंगीलाल देखो किरण अगर सेठ चिरंगीलाल इस बात को पता पाएंगे बहुत खुश होंगे तेरी शादी मेरे साथ कर दूंगा कुत्ता कमीना कुत्ता कमीना तो जा यही हो जो बतिया अरे पिताजी ये सुनी है अरे जमानिया ना है भरमा किरण तेरे पिताजी कुछ नहीं कहेंगे किरण ए किरण इधर आ मेरी जान अरे मान जा मेरी रानी कमीना मैं कहते कर बड़ी जुबान तेरी नजरिया तेरी नजरिया मुझे और तेरी नजरिया मुझे मार डाला कसम से कहूं मैं कसम से हमें बताओ का भाई तो है साथ है। हम बाटी ने मैं आपसे हाथ जोड़ दिया को पाव मारती हूँ किरण सुनो किरण और मदन जी ये बांधे और मदन जी और मदन जी ये बात को सुनाना पसंद है
इस तरह गरीब नारी को सताना पे किरण परेशान ना करो ना परेशान हो। ए किरण इधर आ मेरे पास, तू मुझसे शादी कर ले तेरी जिंदगी संभल जाएगी। ए ले तब तक खर्च के लिए 5,000 रुपए रख ले। हराम को कुत्ता कभी ना मुझे पैसा दिखा रहा है, ये पैसा ले जा अपने माँ बांध दे दे कुत्ता। किरण बांध कर जुबान कभी नहीं। किरण अब तक मैं सोचा था तुझे छोड़ दूं, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ओ देख एक झाड़ी दिखाई पड़ती है, ले चलता हूँ तेरे साथ, मौज मस्तियाँ जरूर लूटूंगा। क्या कहा? बुलाने से बुलाना हो तू। हाँ बोल कुत्ता कभी ना, मेरी इज्जत भगवान बचाएगा। कौन भगवान है? कौन भगवान साला होता है? चल बुला दूंगा अपने भगवान को, ले चलता हूँ तुझे। क्यों रे चाचा मदन, तुझे शर्म नहीं आई? अरे धर्म तू? हाँ धर्म मैं। तुझे पिताजी हमेशा समझाते रहते हैं, लेकिन हरामजादा तू अपने आदत से बाज नहीं आ रहा है। चार साले धर्म सिंह, तूने मेरी राह में आकर टाल लगा दिया, बहुत बुरा किया। मैंने बुरा नहीं किया रे। बहुत बुरा किया धर्म सिंह। ठीक है मैं जाता हूँ, इस समय तू कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बाद में तुमसे समझूंगा। क्या समझेगा तू? अरे समझूंगा। अरे समझ लेना, कम जाओ। तू आकर मेरी राह में टांग दो। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझे? जाता हूँ। जाओ।